Hey guys, subscribe Tech Talk and click on the bell icon to get notified about my next animated tech video. इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और उसके साथ ही प्लास्टिक का यूज भी बढ़ते जा रहा है। हम अपना घर तो साफ रखते हैं, बट व्हाट अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज जिससे हम ब्लेस्ड हैं, जैसे कि हमारे रिवर्स, सीज या ओशियंस, और उसके क्लीनलीनेस के लिए बहुत कम लोग ही सोचते हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं उसमें ही कचरा फेंक देते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कचरा होता है वो तो सड़ जाता है और बच जाता है सिर्फ प्लास्टिक, और लोगों को इसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं पता। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है जिसमें प्लास्टिक का यूज और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैसिफिक ओशन में एक प्लास्टिक वोर्टेक्स बन गया है, ओशियन के करंट्स के वजह से एक प्लास्टिक आइलैंड बन गया है, उसे प्लास्टिक ओशियन भी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फिशरीज में हुआ है। बहुत सारे फिशेस मर रहे हैं और उनका रिप्रोडक्शन भी बहुत कम हुआ है। फाइनली इंडिया को उसका सलूशन मिल गया है। हमारा जो भी प्लास्टिक गार्बेज है उसे हम अलग करते हैं, और उस अलग हुए प्लास्टिक गार्बेज को हम रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज भी अभी यूज़ कर रहा है। ये है राजगोपालन वासुदेवन, इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने ही इंडिया में प्लास्टिक रोड्स को इंट्रोड्यूस किया है। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि अब से जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होगा वो प्लास्टिक रोड पे ही होगा, और स्पेशल थैंक्स टू नितिन गडकरी। गाइस, ये वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करो और लोगों को एनकरेज करो कि वो अपना ड्राई और वेट वेस्ट को अलग अलग करें।